साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग में कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था नामक कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। संवेदना और शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बेजोड़ थी। 1916 में प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। इस कहानी को अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रेमचंद की कहानियों का संसार बहुत व्यापक एवं विविधतापूर्ण है। उनकी प्रारंभिक कहानियों पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है, जैसे सारंगा सदा वृक्ष, आत्माराम, दामुल का कैदी आदि। दामुल का कैदी में तो कथानक गढ़ने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। कहानी की विधा जो यूरोप से आई थी प्रेमचंद के हाथों ठेठ भारतीय बन गई। उन्होंने उस विधा में भारतीय जीवन, उसका परस्पर विरोधी समकालीन यथार्थ एवं आदर्श और विकास सब घुला मिला दिया है। प्रेमचंद की कहानियां स्वाधीनता संग्राम के आदर्श से ओतप्रोत हैं। प्रेमचंद की कहानियों में नारी विविध रूपों में आती है। इस दृष्टि से उनकी बूढ़ी काकी कहानी अनुपम है, जो असहाय और हास्यास्पद है। उनकी मानसिकता को समझना महान रचनाकारों के ही बस की बात होती है। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने वाला जानता है कि उनकी कहानियों में बच्चों को कितना स्थान मिला है, वे बच्चों की मानसिकता को कितना समझते हैं। ईदगाह और रामलीला कहानियां बाल मनोविज्ञान की उत्कृष्ट कहानियां हैं। बूढ़ी काकी में उपेक्षिता बूढ़ी काकी की खोज खबर अंततः छोटी बच्ची ही लेती है। बुढ़े और बच्चे ही नहीं, पशु पक्षियों को भी प्रेमचंद की कहानियों में अद्भुत आत्मीयता दी गई है। दो बैलों की कथा के हीरा मोती, पूस की रात का झबरा कुत्ता, आत्माराम का तोता हिंदी पाठकों के हृदय में घर कर गए हैं। दो बैलों की कथा तो पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी ही है। प्रेमचंद की कुछ कहानियां, विशेष रूप से उनकी अंतिम कहानियों में से एक कफन, ऐसी कहानी है जो आद्यंत यथार्थ बोध का आधार नहीं छोड़ती। प्रेमचंद के समकालीन प्रसिद्ध छायावादी कवि प्रसाद ने रोमानी, सामाजिक और चरित्र प्रधान कहानियां लिखी हैं। पुरस्कार आकाशदीप, मधुआ, गुंडा उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आकाशदीप रोमानी ऐतिहासिक कहानी है, मधुआ प्रेमचंद की और गुंडा उग्र की कहानियों से मिलती जुलती है।
मन की गहरी परतों को खोलने का उद्देश्य लेकर चलने वाली कहानियों की शुरुआत वस्तुतः हिंदी में प्रसाद की कहानियों से ही होती है। राय कृष्णदास की कहानी अंतःपुर का आरंभ प्रसाद के प्रभाव में लिखी गई प्रतीत होती है। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों पर कहानियां लिखते थे। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई और सुदर्शन की हार की जीत बहुत प्रसिद्ध हुई। ये आदर्शवादी ढर्रे की ही कहानियां हैं। प्रेमचंद के बाद उनके ढर्रे की कहानियां अधिकांशतः प्रगतिशील कहानीकारों ने ही लिखी, जिनमें यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृत राय, रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। यशपाल प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकारों में प्रमुख हैं। उनकी पहली कहानी मकरील 1934 ईस्वी में छपी। राहुल जी ने 1935 में सतमी के बच्चे के अलावा 1942 में वोल्गा से गंगा लिखी, जो इतिहास के विभिन्न युगों को चित्रित करने वाली कहानियों का संग्रह है। इससे पूरा मानव इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। भगवत शरण उपाध्याय का कहानी संग्रह भी इसी प्रकार का है। अश्क उर्दू से हिंदी में आए, उनका पहला कहानी संग्रह जुदाई की शाम का गीत 1933 ईस्वी में छपा था, डाची 1937 ईस्वी में। अमृत राय, पहाड़ी, श्यामू, सन्यासी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने इसी समय लिखना शुरू किया और स्वतंत्रता के बाद भी लिखते रहे। पांडे बेचन शर्मा उग्र समाज के उपेक्षित और प्रायः निम्न वर्ग के पात्रों का चित्रण करते हैं। उग्र व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार के अनेक रूपों को उभारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनके व्यंग्य में करुणा अंतर्निहित होती है। निसंदेह अपने परिवेश की गहरी पहचान उग्र की कहानियों में मिलती है। जैनेन्द्र, अज्ञे और इलाचंद्र जोशी कहानी की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाली धारा के समानांतर बह रही थी। इन पर फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञे ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की कहानियां भी लिखी हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियों का संग्रह विपथगा 1937 ईस्वी में निकला था। इलाचंद्र जोशी की प्रारंभिक कहानियों में सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने का आग्रह मिलता है, किंतु सन 35-36 तक उन पर फ्रायड के मनोविश्लेषण का गहरा असर पड़ गया। उनके कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति। आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग में कहानी।
साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अखिल मित्तल और लोचनी अस्थाना। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।